हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिट हंगर। आज मैं बनाने जा रही हूँ हम सबकी फेवरेट मिठाई बालूशाही। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हलवा स्टाइल बालूशाही मिठाई। आज की मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही सिंपल तरीके से बालूशाही कैसे बनाई है, एकदम परफेक्ट। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लें, इसमें डाल देंगे एक कटोरी मैदा और एक चम्मच चीनी, साथ ही डाल देंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बालूशाही मिठाई थोड़ी क्रिस्पी होती है, अगर आपको सॉफ्ट मिठाई चाहिए तो बेकिंग पाउडर एक चम्मच डालें, अगर क्रिस्पी चाहिए तो हाफ स्पून बेकिंग पाउडर ही डालें। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बेकिंग पाउडर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून घी, और घी को कुछ इस तरह से मैदा में मिक्स कर लेंगे। इसे करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो देखिए मैदा कुछ इस तरह से 5 से 10 मिनट बाद आपस में बाइंड होने लगेगा। अगर घी की क्वांटिटी आपको कम लगे तो आप एक चम्मच और डाल सकते हैं। तो इस मिक्सचर का एक सॉफ्ट डो हमने तैयार करना है, इसलिए अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही डाल देंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अगर दही यहाँ पर कम लगे तो थोड़ा थोड़ा करके और डालें, और जैसा हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं ना, वैसा ही डो बना लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसे आपने आटे की तरह गूंथना नहीं है, बस इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे ही आपने एक डो तैयार कर लेना है। तो इस स्टेज में इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर पानी डाल देंगे और फिर से इसी तरह आटे को बाइंड करना शुरू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सॉफ्ट डो तैयार है। अब हाथों में थोड़ा सा घी लगा लें और डो में कुछ इस तरह घी को लगा लेंगे। ऐसा करने से डो सॉफ्ट बना रहेगा। अब इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख देंगे। तो आइए तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए एक पैन गैस पर रखें और इसमें 1 बड़ी कटोरी चीनी डाल देंगे और साथ ही पानी डाल दें। जिस कटोरी से आपने चीनी डाली है सेम उतना ही पानी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर चीनी को पिघला देंगे। जैसे ही चीनी अच्छी तरह पिघल जाएगी हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट तक इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं एक काली इलायची डाल रही हूँ, आप हरी इलायची भी डाल सकते हैं। और हाँ, इलायची डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है तो डालें, बिना इलायची डाले भी आपका काम बन जाएगा। इलायची का फ्लेवर अच्छी से चाशनी में चला जाए इसके लिए 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम में चाशनी पका लेंगे। और लास्ट में यहाँ पर हलवाई स्टाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पर फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, वरना इसकी जगह पर आप कुछ केसर के धागे भी डाल सकते हैं। 2 मिनट बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, हमारी चाशनी तैयार है। अब हम बना लेते हैं बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए आटे के छोटे छोटे गोले ले लीजिए, हाथों में लेकर गोल गोल करिए और इस तरह का गोल शेप दे देंगे, टिक्की जैसी ही हमने बनानी है, और सेंटर में इस तरीके से होल कर दें। तो बालूशाही आपकी तैयार है। बालूशाही को बनाकर आप 1 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, यही इसकी खास बात है। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस से सारे बालूशाही हम तैयार कर लेंगे। इस मिठाई को बनाने में सबसे कम मेहनत लगती है, डो तैयार करना है, बालूशाही बनानी है और चाशनी में डालनी है। बालूशाही का शेप अभी आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन बाद में इनका शेप डबल हो जाता है। तो शेप तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी सारी बालूशाही तैयार हो गई है, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बालूशाही बनाने का लास्ट स्टेप है बालूशाही को फ्राई करना। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डाल लें और तेल को गर्म होने दें। तेल कितना गर्म है चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा डालकर देखें। तो तेल हमारा यहाँ पर अच्छी तरह गर्म हो गया है। बालूशाही को फ्राई करते समय गैस का फ्लेम लो रखें, आप इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई ना करें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके सारी बालूशाही गरम तेल में डाल देंगे। बालूशाही का साइज तेल में डालते ही कुछ देर बाद डबल हो जाएगा, इसलिए बालूशाही को थोड़ा दूर दूर करके डालें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बालूशाही शेप में थोड़े बड़े हो गए हैं, जब तक इनका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए इसी तरह लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करें। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएं इन्हें आप पलट देंगे, लेकिन सावधानी से पलटें क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इन्हें फ्राई करने में कम से कम 15 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बालूशाही का कलर आने लगा है। इस मिठाई को बनाने में फ्राई करने वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप सावधानी से फ्राई करें। अभी इन्हें निकालेंगे नहीं क्योंकि हमने इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए 15 से 18 मिनट बाद इनका कलर कुछ इस तरह हो जाएगा। तो आपकी बालूशाही अंदर तक अच्छी तरह पक गई है। इस स्टेज में गैस की फ्लेम ऑफ कर दें। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लें, आप इन्हें तुरंत चाशनी में नहीं डालें, पहले ऐसे प्लेट में निकाल लें। तो यहाँ पर बालूशाही हमने निकाल लिया है,
अब हम इन्हें गरम चाशनी में डालेंगे। ध्यान रहे बालूशाही गरम है, चाशनी भी गरम होनी चाहिए, तभी चाशनी इसमें अंदर तक जाएगी। कभी भी आप कोई भी मिठाई बनाते हैं तो उसे गरम चाशनी में ही डालें। तो इन्हें मैंने चाशनी में डाल लिया है। गैस ऑन करके चाशनी के ऊपर बालूशाही बिल्कुल ना डालें, चाशनी गरम करें, फ्लेम ऑफ करके ही चाशनी डालें। बालूशाही बनाने में हमें गुलाब जामुन या रसगुल्ले की तरह ज़्यादा सिरप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गुलाब जामुन की तरह 2 घंटे या 3 घंटे चाशनी में इन्हें डिप नहीं करना है। बस इन्हें डिप करना है और निकाल लेना है। 10 मिनट से ज़्यादा इस मिठाई को सिरप में ना रखें, नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो 2-3 बार पलट के 10 मिनट रहने दें। तो हमारी मिठाई तैयार है, मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए, है ना बिल्कुल हलवाई जैसी। अगर बालूशाही आपकी भी फेवरेट है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इसमें कोई झंझट नहीं है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस फेस्टिवल सीजन में इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माई नेम इज़ प्रियंका एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।